बढ़िया होंगे, खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है सिलेक्टर स्विच से जो फ्लड स्विच होता है। देख सकते हैं ये जो आपका सिलेक्टर स्विच है, ये आपको दिख रहा होगा ये सिलेक्टर स्विच। सिलेक्टर स्विच से कैसे ऑटो कनेक्शन होता है और हैंड पे आपका चलेगा फ्लड स्विच के द्वारा, जो है आप ऑटो पे कर दे आप अपना चले जाए, अपने से बंद हो और अपने से ऑफ हो जाए आपका जब पानी फुल हो जाए टंकी में, तो इसका वायरिंग आपको करना सिखाएंगे कैसे होता है। देखिए ये आपका यहाँ पर देख सकते हैं ये सिलेक्टर स्विच है, ये हमारा ऊपर का साइड हो गया, ठीक है, ये ऊपर का साइड हो गया। तो आपको नीचे साइड ये करना क्या है, एक छोटा सा वायर ले लेना है इस तरीके से, यहाँ से हाथ पे इस पर आप इसको जंपर कर दीजिए, और जंपर करने के बाद एक वायर यहाँ से इस तरीके से इसको निकाल लीजिए। निकालने के बाद जो है आपका जो कॉन्ट्रेक्टर होगा, कॉन्ट्रेक्टर का जो A1 होगा, यहाँ पे लिखा हुआ A1, इस तरीके से आप A1 पे लगाते हैं। अभी हमने सिलेक्टर स्विच का जो नीचे इधर एक तरफ जंपर कर दिया, एक यहाँ से उठा करके हमने लाके A1 के कॉन्ट्रेक्टर पे लाकर कनेक्शन कर दिया है। बच गया इधर आपका ये दो पॉइंट आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये NO3 और 4। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, ये देखिए ये जो आपका जो फ्लैट है अवामा का जो है, आपका जो कॉमन वायर होगा, कॉमन वायर को ला करके इस तरीके से यहाँ पे इसे कनेक्शन कर देना है। देखते हैं ये जो फ्लैट स्विच का हमारा जो कॉमन वायर है, ये दिख रहा होगा आपको ब्लैक, ये जो कॉमन वायर है हमने ला करके ये जो 3 नंबर है इस पर इधर या इधर आप कर सकते हो, इससे कोई नॉर्मल है, कोई दिक्कत की बात नहीं, हमने इधर कनेक्शन कर दिया। अब आपको क्या करना है, एक फेस वायर ले लेना इस तरीके से रेड, जो आपका जो MCB से आ रहा होगा डायरेक्ट MCB से, उसको ला करके ये दूसरे पॉइंट पे आपको इस तरीके से ला करके आपको यहाँ पे कनेक्शन कर देना है। अभी हमने ये जो सिलेक्टर स्विच है उसके दोनों पॉइंट पे हमने कनेक्शन कर दिया है, देख सकते हैं, ठीक है। हाँ, इस पर जो है ना, सॉरी हमने बताया नहीं आपको, ये जो है आपका 3 नंबर, इधर जो है आपका जो फ्लैट स्विच है, फ्लैट स्विच का जो ये वायर है कॉमन वायर, आपको इस तरफ देना है, और इस तरफ जो आप ला करके यहाँ पे MCB से आप डायरेक्ट जो है ना ला करके आपको पावर देना है। तो आप देख सकते हैं एक वायर हमने रेड ले लिया है फेस के लिए, और यहाँ पे लाकर कैसे मेन ब्रेकर पे इस तरीके से आपको कनेक्शन कर देना है इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं ये जो आपका सिलेक्टर स्विच पे आपको पावर देना होगा, तो ये रेड वायर हमने ले लिया है, और जो मेन ब्रेकर से आपका जो पावर आएगा, आपको करना क्या है, 3 वायर ले लेना है फेस के लिए। एक जो आपका ये जो फ्लैट स्विच है, फ्लैट स्विच का जो दूसरा आपका जो वायर होगा वो ला करके यहाँ पे कर देना, एक और दूसरा इस तरीके से वायर ले लेना आपको, और जो आपका मेन ब्रेकर होगा, मेन ब्रेकर का जो फेस होगा उस पर इस तरीके से आपको कनेक्शन कर देना है। तो ये जो हम यहाँ से 3 फेस आपको बताया था ना, 3 वायर 3 फेस हो गए, तो एक हो गया रेड आपका ये सिलेक्टर स्विच पे आपका आ जाएगा, एक दूसरा जो है आपका ये जो फ्लैट स्विच है इसका जो है तार आपको यहाँ पे मेन ला करके डायरेक्ट दे देना है, और एक वायर जो है ये आपको कॉन्ट्रेक्टर का पावर चलाने के लिए जो भी आप उधर लगाएंगे, ठीक है, लाइट हो गया जो या कुछ आते हैं मोटर हो गया वो ला करके यहाँ पे ला करके आपको इस तरीके कनेक्शन कर देना। तो ब्लैक वायर ले ले न्यूट्रल के लिए, उन्होंने 2 वायर लिया इस तरीके से, आपका जो ब्रेकर पे जो न्यूट्रल आ रहा होगा न्यूट्रल चेक कर ले इस तरीके से टेस्टर से, उसके बाद जो है इस पर न्यूट्रल को इस तरीके से कनेक्शन करते हैं। 2 न्यूट्रल जो 2 वायर को हमने मेन ब्रेकर पे यहाँ पे कनेक्शन कर दिया है, एक को जो है आपको ला करके ये जो कॉन्ट्रेक्टर को ऑन करने के लिए आपका जो लोड होगा उसको ऑन करने के लिए हमने यहाँ पे कनेक्शन कर दिया, एक तरफ फेस हो गया एक तरफ न्यूट्रल हो गया। फिर एक और जो न्यूट्रल आपका बचा है, ये आपको जो कॉन्ट्रेक्टर का जो A2 है, A2 पे इस तरीके से ला करके कनेक्शन कर देना है इस तरीके से, A2 पे इस तरीके आपका होगा मोटर होगा। अभी हमारे पास ये लाइट आपको एग्जांपल लेके दिखाने के लिए हमने आपको किया है, तो आपको करना क्या है, इस तरफ जो आप यहाँ पे न्यूट्रल दिए हैं, फिर दूसरी तरफ यहाँ पे आप इस तरीके से न्यूट्रल दे देंगे इस तरीके से। हमने यहाँ पे फेस दिया है, फिर इस तरफ आप जो अपना है इस तरह यहाँ मोटर का या लाइट का जो भी हो आपका जो चलाना है आपको यहाँ पे इस तरीके से फेस दे दीजिए। देख सकते हैं अभी आपका ये पूरा कनेक्शन हमने कर दिया है, ठीक है। एक बार कनेक्शन फिर से आप समझ लीजिए पूरा किस तरीके से कनेक्शन होगा। ये आपका इधर मेन ब्रेकर है, देख सकते हैं इधर आप जब भी करें कनेक्शन इधर चेक कर ले, देखिए इस तरीके से ये टेस्टर हमारा ग्लो कर रहा है। ये आपका फेस हो गया
और इधर ये आपका इस तरफ ये न्यूट्रल हो गया, ठीक है। तो ये जो फेस वायर है आपका यहाँ पे देख रहे होंगे, तीन कनेक्शन हमने किया हुआ है, ठीक है। एक यहाँ से उठाना है आपको और ये सिलेक्टर स्विच का यहाँ पे ला करके आपको कनेक्शन कर देना है, ठीक है। ये आपको यहाँ पे पावर मिल गया, ठीक है। दूसरा यहाँ से एक वायर, ये जो आपका ये दिख रहा होगा, ये फ्लैट स्विच का है, ये देख सकते हैं आप, ये फ्लैट स्विच का है, ठीक है। दूसरा वायर आपको दिख रहा होगा यहाँ, ये आपका कॉन्ट्रेक्टर को जो है लोड को ऑन करने के लिए हमने फेस दे रखा है, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। ये जो सिलेक्टर स्विच है, ठीक है, ये जो आपका फ्लैट स्विच का एक ये देख रहे हैं आप, ये जो ब्लैक वायर आपको दिख रहा होगा, ये ब्लैक वायर हमने ला करके ये जो फेस के बगल में यहाँ पे ला करके हमने कनेक्शन कर दिया है, ठीक है। और दूसरा इस तरफ जो है आपको दिख रहा होगा, ये जो हमने इधर ये इस तरफ ये जो है इधर ये हमने जम्पर कर दिया, इस तरीके से हमने यहाँ पे देखिए यहाँ पे जम्पर कर दिया है, ठीक है। जम्पर करने के बाद एक वायर यहाँ से हमने निकाल दिया है, निकालने के बाद ये जो आपको वायर जो दिख रहा होगा, ये यहाँ से जो कॉन्ट्रेक्टर का A1 है, जो आपको कॉन्ट्रेक्टर होता है ना, कॉन्ट्रेक्टर का ये इधर जो कॉइल होता है, कॉइल को ऑन ऑफ कराने के लिए हमने यहाँ से ला करके A1 पे ला करके कनेक्शन कर दिया है, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। अब दूसरा देखिए, ये जो आपको इधर न्यूट्रल पे आपको दो वायर दिख रहा होगा, एक वायर तो आपको कॉन्ट्रेक्टर का जो पावर होगा उसको ऑन करने के लिए यहाँ दे दिया है, इधर फेस दिया आपने, इधर न्यूट्रल पे आपको देना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा वायर जो है आपका इधर देखिए, जो ब्लैक वायर इधर से आ रहा होगा आपका यहाँ, जो कॉन्ट्रेक्टर का A2 है, A2 पे लाके कनेक्शन कर देना है, क्योंकि आपने इधर फेस दिया तो इधर आपको न्यूट्रल देना पड़ेगा, क्यों, ये जो आपका इधर कॉइल होता है, इस कॉइल को ऑन और ऑफ कराने के लिए, ठीक है, हो गया। तो इधर आपने ये लोड पे दे दिया इधर फेस और न्यूट्रल, फिर इस तरफ आपका जो भी मोटर होगा, यहाँ आपने फेस दिया तो यहाँ पे भी आपको जो लोड का आपका होगा वायर फेस का, वो यहाँ दे देना है। और दूसरी तरफ इधर आपने न्यूट्रल दिया है तो यहाँ पे दूसरी तरफ आपको यहाँ पे ये न्यूट्रल दे देना है, ठीक है। अभी आपको हम चालू करके दिखाते हैं, देखिए ये हो गया आपका, हमारा जो ये राइट साइड पे इधर होगा ये ऑटो होगा, इस साइड होगा ये हैंड होगा, देखिए हम आपको चालू करके दिखाते हैं, देख सकते हैं ये आपका अभी हमारा चालू है, ये हैंड पे चालू है, ठीक है, ये हैंड पे चालू है, देखिए अभी बंद हो गया। अभी हम आपको ऑटो पे करके दिखाते हैं, ये देखिए ये ऑटो पे हो गया, ऑटो पे होने के बाद देखिए हवामा जैसे आपका नीचे होगा ये चालू हो जाएगा, देखिए चालू हो गया। जैसे आपका वाटर लेवल जो छत पे होता है ना, ये उसके लिए है, ठीक है। अगर आपको नीचे ग्राउंड पे करना है तो ये जो वायर हमने खाली दिख रहा है हमने छोड़ दिया है, इसको इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है, ये जो ब्लैक की जगह इसको आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो जैसे आपका वाटर लेवल नीचे जाएगा ये ऊपर जाएगा, इस तरीके से फुल होगा, ये बंद हो जाएगा। ऑटो पे है ये, देखिए ऑटो पे है, आपका टैंक फुल हो गया, खाली हुआ आपका, जैसे टैंक नीचे जाएगा पानी लेवल आपका ये ऑन हो जाएगा, जैसे आपका टैंक फुल होगा इस तरीके से ये ऑफ हो गया, आपको ऑन और ऑफ करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, देखिए देख सकते हैं आप इस तरीके से। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए, और किसी चीज पे आपको ना समझ में आए तो जरूर कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।